आज हम बनाएंगे मसाले डोसे रेसिपी। ये साउथ इंडियन डिश है, वो इन चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, तो चलिए हम भी उन्हीं की तरह उन्हीं के स्टाइल में बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 कप, ये मेजरिंग कप से 5 कप चावल 4 घंटे पहले सोख करके ले लिया है, और इसी कप से 1 कप माश की दाल है, इसको उड़द दाल भी कहते हैं, ये भी सोख करके ले लिया है, ये इसमें मिक्स करेंगे। और यहाँ पे पके हुए चावल हैं 1 प्याली, ये भी इसमें मिक्स करेंगे और इसको पीस के बैटर बनाएंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा रनी भी नहीं, ऐसा थिक सा बैटर बनाएंगे। तो इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा पानी भी डाल लेते हैं। इसको पीस के लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्मूथ सा बैटर बन गया। तो इस तरह अभी ये इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसका बैटर ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा रनिंग भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है। अब दूसरा पीसते हैं। ये देखिए बैटर बन गया। इस तरह सारा पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। अभी ये थोड़ी सी थिक है, ये सुबह तक और थिक हो जाएगी। हाँ, ये आपको बताना था कि अगर आपको जल्दी है, 2-3 घंटे में बनाना है, तो जब बैटर बना रहे होते हैं तो सादा सा दही 1 कप इसमें ऐड करके बैटर बना लें, फिर 3 घंटे बाद इसको डोसा बना लें। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम सुबह बनाएंगे, तो सुबह तक के लिए इसको फॉर्मेट होने देते हैं। तो ये साइड में रखते हैं और अभी चटनी बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चटनी के लिए लिया है मेजरिंग कप से 1 कप चने हैं, ये भुने हुए चने हैं साफ़ किए हुए, तो ये इसमें जाएंगे। और इसी मेजरिंग कप से हमने लिया है 1/2 कप डेसिकेटेड खोपरा, ये खोपरे का पाउडर है। वैसे खोपरा था तो थोड़ा सा और हमने मिक्सी के जार में घुमा लिया था, तो थोड़ा सा पाउडर और अच्छा सा पाउडर बन गया। ये इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप। और यहाँ पे हमने लिया है 5 हरी मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ तीखी नहीं है, आपको तेज़ कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग जितना मर्ज़ी आए डाल लें। यहाँ पे हम 5 डाल रहे हैं और यहाँ पे 5 लहसुन के कलियाँ डाल रहे हैं, तो ये भी इसमें ऐड करेंगे। अगर तीखा आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो और ऐड कर लें, और कम खाना चाहते हैं तो कम कर लें। और यहाँ पर हरा धनिया 1 हैंडफुल है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया डाला और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और यहाँ पे 1 गिलास पानी है, 1/2 गिलास पहले डालेंगे और पीसेंगे, देखेंगे कि कितना लगता है, फिर डाल के पीसते हैं और चटनी बना के आप लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, चटनी भी पिस गई है। रात को इसलिए पीस के रख लें ताकि सुबह नाश्ता बनाने में आसानी रहेगी और इसका तड़का भी लग जाएगा आसानी से।
तो ये चटनी हमने पीस लिया है, और पीसते हुए पानी और थोड़ा सा लगा था, तकरीबन 6-7 टेबल स्पून पानी और लगा था, 1 गिलास और 7 टेबल स्पून। तो मिलते हैं सुबह। सबसे पहले हम चटनी को तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और ये गरम हो रहा है, और यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून राई डालेंगे, इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 लाल मिर्च, 1/4 कड़ी पत्ते, एक दो मिनट इसको सौते करेंगे। ये हो गया, अब ये इस चटनी में ऐड कर देंगे। अब सेम पैन रखेंगे, सेम पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फलिया बनाएंगे। तो 1/4 टीस्पून राई डालेंगे, 1/4 कड़ी पत्ता, फिर डालेंगे 2 बड़े साइज की प्याज है, रफली स्लाइस में चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। और इसको ब्राउन नहीं होने देना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक इसको पकाना है। एक दो मिनट ही लगेंगे ट्रांसपेरेंट होने में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 हरी मिर्च हमने काट के चॉप करके ले लिया है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं, तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ले लें, और कम खाते हैं तो इसको कम कर लें। हरी मिर्च ऐड किया, और 2 टेबल स्पून हरा धनिया डाला, एक टेबल स्पून नमक, नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें हम, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी, इसको मिक्स किया। यहाँ पे हमने 5 बड़े साइज के आलू बॉईल करके मैश कर लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये 2 मिनट हो गए, इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। अब इसको उतार देंगे। ये बैटर फॉर्मेट हो गया है और ये थिक हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें हम इस वक्त ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है। ये चीनी जो है कलर अच्छा लाने में हेल्प करती है। और यहाँ पे पानी लिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर करेंगे। ये हो गई, ये देखिए ऐसी होनी चाहिए इसके, ज़्यादा रनी भी नहीं हो, ज़्यादा थिक भी नहीं हो, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब इसको कुक करते हैं। पानी कम, यहाँ पे पानी हमने 1/4 गिलास लिया था, थोड़ा सा पानी डाला है, कम तकरीबन 7-8 टेबल स्पून होगा, इतना ऐड किया है। तो चलिए अब डोसा बनाते हैं। यहाँ पे हमने तवा रख दिया है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा हीट नहीं करना है। और यहाँ इस पर थोड़ा ब्रश से घी ग्रीस कर लेंगे, इसको फैला लेंगे। और यहाँ जो बैटर हमने बनाया था 5 मिनट रेस्ट दिया, ये होने लगा है, पैन तवा छोड़ने लगा है। तो ये देखिए इसको रोल करके ये उतारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले डोसे तैयार, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में। चटनी भी है, पलिया भी है, आप भी बनाइए खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।